बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, जीवन में सत्संग का क्या संबंध है? जीवन सहज जीना हो तो वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, और उन वस्तुओं का यदि हमने संग्रह कर लिया है, कमाई कर ली है, तो जीवन तो चलता रहेगा। जो हमारी जीने के लिए जो प्रारंभिक आवश्यकताएं होती हैं, बहुत कुछ तो ऐसी है जो सहज उपलब्ध है, जैसे हवा। गुरुदेव जी कहा करते थे, जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं और आवश्यक होती हैं, वे सस्ती होती हैं और सहज उपलब्ध होती हैं। जो कीमती चीजें होती हैं, उपलब्ध करने में जिनको कठिनाई होती है, वो महंगी होती चली जाती है, और न मिले तो भी चले। जैसे हीरा, हीरा मैं समझता हूँ कि कई ऐसे लोग होंगे जो हीरा देखे भी नहीं होंगे। है तो बहुत कीमती, लेकिन हीरा के बिना कोई काम अटक रहा है? नहीं अटक रहा है। हीरा जीवन भर न देखने को मिले, क्या मतलब है? और बिना देखे जी रहे हैं। उससे थोड़ा सा सस्ता है सोना, तो सोना देख तो लेते हैं कम से कम ना, आदि कोई हार पहने या कुछ करे तो देख तो लेते ही हैं, और थोड़ी मेहनत करे तो आदमी कुछ न कुछ सोना खरीद भी लेता है। थोड़ी सी कमाई अच्छी होती है तो सोना खरीद लेते हैं, तो सहज उपलब्ध भी है और हीरा से सस्ता भी है। लेकिन हीरा न भी मिले, सोना न भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे जो महत्वपूर्ण है, सोना से भी जो महत्वपूर्ण है, वो चांदी है। वो भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सोना का अपेक्षा चांदी को लेना कितना सरल है। इससे भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है वो है लोहा। और लोहा, लोहा तो आप सब घर में होना चाहिए। जिसके घर में हीरे नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, लेकिन ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिनके घर लोहा ना हो। लोहा का आपको कुछ ना कुछ खरीदना है। खेती के काम में ही बहुत सारे लोहे के औजार की जरूरत होती है। घर में ही लोहे की कढ़ाई, चाकू, छुरी और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ये ज्यादा जरूरी है तो सस्ता भी है। उन सब चीजों से वो सस्ती भी है। और लोहा न भी मिले कुछ दिन तो भी चलेगा, लेकिन अन्न तो चाहिए, सही है ना? लोहा यदि न मिले कुछ दिन के लिए तो भी चलेगा, लेकिन अन्न के बिना नहीं चलेगा। तो लोहा से भी सस्ता अन्न है। और भारत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार तो चावल के कितने रुपये दे रही है, फ्री कह रहे हैं भाई। हम सोचे पहले 2 रुपये की बात चलती थी, अब तो फ्री ऑफ कास्ट है। तब से फ्री है, वाह, ठीक है। इसीलिए शराब की बिक्री बढ़ गई है। लोगों को जब फ्री खाने पीने की चीजें मिलेंगी तो जो धन आएगा ना, उसको गलत दिशा में लगाएंगे ही। ये तो सरकार की नीति है, मेरा वहाँ पर कोई अधिकार नहीं कि उनकी आलोचना और कमेंट से करूँ। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि अन्न सस्ता है लेकिन बहुत जरूरी है, तो जरूरी है इसलिए और चीजों से सस्ता है।
अच्छा अन्न न मिले, अभी तो कल तो ये लोग व्रत तोड़े होंगे और पूरा दिन नहीं खाए थे, दो रात और एक दिन, और मिला करके तीन दिन खाते थे तीजा को, वैसा कुछ है नहीं है, एक ही दिन है, है तो एक ही दिन, लेकिन क्या मानेंगे, एक रात जिस दिन कड़ू भात खाते हैं वो, और वो रात नहीं खाए, उसके पहले न जाने कितना खाए रहते होंगे, तो वो और फिर दिन पूरा नहीं खाए, फिर रात नहीं खाए, और अगले दिन कल तो वो तीनों दो दो दिन एक दिन पूरा बाकी थे ना, उस सबको डोज ले लिए होंगे, भरपाई कर लिए होंगे घर घर जा करके, तो अन्न न भी मिले तो क्या जरूरी है, पानी, सही है ना। तो अन्न से अन्न सस्ता है कि पानी, अन्न को तो आपको कई बार खरीदना भी पड़ता है, प्रायः खरीदना पड़ता है, पानी किसी के घर भी जाओ एक गिलास पानी पिलाओ तो पिला देगा। तो अन्न अन्न से भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है पानी, वो हमें उपलब्ध है, वो हमें उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, किसी से भी आग्रह करो तो वो दे देता है। पानी से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह क्या है, हवा। हवा के बिना, पानी के बिना तो हम दिन भर रह लेंगे, कई लोग तो निर्जला भी रहती है माता बहने, कभी एकादशी को उपवास हो तो निर्जला, इसमें निर्जला मतलब पानी ही नहीं पिए, लेकिन हवा हवा। और कोरोना काल में एक बार ऑक्सीजन की मांग कितनी बढ़ गई थी, ऑक्सीजन की मांग कितनी बढ़ गई थी, उसके लिए वो मिल जाए माने जीवन मिल गया ऐसा होता था। यद्यपि केवल ऑक्सीजन नहीं चाहिए शरीर को, ये भी सच है, हमारे शरीर जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं तो केवल ऑक्सीजन थोड़ी ले रहे हैं, अन्य बहुत सारी हवा है जो अन्य तरह की, वो भी जरूरी है। तो हवा बहुत जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन वो पानी को तो आपको कुआं से निकालना पड़ेगा, ट्यूबवेल से खींचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कहीं, और हवा इतनी इतना जरूरी है कि सब जगह उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, सब जगह। और सच बताऊं आगे बढ़ के, परमात्मा कितना जरूरी है, आत्मा कितना जरूरी है, इससे भी बढ़ करके, यदि ये न रहे तो सांस भी कुछ समय तक लोग प्राणायाम के माध्यम से रोक लेते हैं, बिना सांस के भी कुछ मिनट रह लेते हैं, योगी लोग तो देर देर तक रहते, उनके बारे में बताते हैं इतने घंटे तक वो अंडरग्राउंड रहे सांस रोकने की, उनके पास तकनीक है कि बिना सांस लिए भी वो अपने शरीर को बचा करके रख सकते हैं। लेकिन आत्मा जीव न हो शरीर में, सही है, सांस को आपको बाहर से लेना है, लेकिन आत्मा तो आप ही हैं, आप ही हैं, और ये सबसे सस्ती। और थोड़ा इसको मैं इस ढंग से कहूँ, मन की शांति ये कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मन की शांति भी आपको बाहर से पाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा भी बाहर से पाने की जरूरत नहीं है, मोक्ष भी बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वो आपका स्वरूप ही है, आपकी सत्ता ही है, सत्ता ही है। तो अब वहां तक पहुंचना है, उस तक मतलब ये यदि मैं और इसको सरल भाषा में कहूं तो अपने आप से मुलाकात करनी है। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों से मुलाकात, दूसरों से करते ना, कई बार गुरुदेव जी के प्रवचन में सुने होंगे आप, एक है स्व, दो है, दूसरा है पर, अध्ययन के केवल दो ही विषय हैं, स्व और पर, मैं और मेरा, आप हैं और आपसे अलग कुछ है, आप हैं और आपसे कोई दूसरा है, चाहे वो दूसरे का मतलब प्राणी हो या पदार्थ हो, चाहे वो बेजान प्राणी हो, क्षमा करें, बेजान कोई पदार्थ हो या जानदार कोई प्राणी हो, तो यही है आपसे अलग अलग, तो वो पर है, पर है, तो पर से अपने आप में आना, पर से लौटना स्व में। एक ने कहा अध्यात्म तो कुछ सेकंड में ही कहा जा सकता है, कुछ सेकंड में ना, मिनट की बात तो भूल जाइए, कुछ सेकंड में
बस 5-6 सेकंड ही बहुत है जिसे पूरे अध्यात्म को कहा जा सकता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पर से खस निज में बस इतना बस। पर से खस, पर से खिसक जाओ, निज निज में बस, अपने आप में बस जाओ, इतना बस हो गया काम। पर से खसकना, निज में बसना, ये एक सूत्र है, ये एक सिद्धांत है, ये एक लेवल है ऊंचाई, लेकिन उसके पहले बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, और इसी के लिए ये आयोजन होते हैं। मैं जो शुरुआत की थी, जीवन गुजर के लिए हमें चीज़ों की जरूरत होती है, इसके बिना जीवन नहीं चलता है। जैसे कहा ना, भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए मेहनत करना तो समझ बात आती है कि भाई जिसके बिना जीवन न चले, मेहनत करो तब पाओ, कोई देने वाला तो है नहीं है। लेकिन सत्संग के बिना जीवन नहीं चलेगा, ऐसा तो है नहीं। सत्संग के बिना जीवन न चले, ऐसा तो है नहीं है। आप सत्संग न करो तो भी जीवित रहेंगे, तो भी चलता रहता है। और बहुत से लोग हैं जो सत्संग से कोई वास्ता नहीं रखते, लेकिन जीवित तो रहते हैं। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो उनका भी मकान बड़ा बना हुआ है, उनके भी कीमती कपड़े हैं, उनके घर में भी गाड़ी मोटर है, सब कुछ है। फिर ये सत्संग का आयोजन क्यों? सत्संग का आयोजन करने में क्या लगता है? पैसा लगता है, समय देना पड़ता है, शक्ति लगती है। तो जब जीवन जीने के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो हम सत्संग से क्यों जुड़ते हैं? मैंने शुरू में प्रश्न किया था ना, आपके जीवन से सत्संग का क्या संबंध है, क्या संबंध है? केवल ऐसा तो नहीं है कि भाई सत्संग में सब लोग जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए। अच्छा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं सत्संग में जाया करो, इसलिए जाना चाहिए। किसी ने कहा, अरे बैठे रहते हो घर में, जा करके सत्संग भी सुना करो। अच्छा चलो भाई, अब सब लोग कह रहे हैं तो चलो, इसलिए आना है। अच्छा, घर में टाइम नहीं कट रहा था, चलो सत्संग में चलेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। क्या है मतलब? सत्संग टाइम पास करने के लिए थोड़े है। सत्संग किसी को धक्का दे करके भेजा जाए, इससे लाभ नहीं होगा। मजबूरी और विवस्था में आए तो लाभ नहीं होगा। सत्संग तो जब सही समझ से करते हैं तो लाभ होता है। तो वो बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। वही मैं कह रहा था, सत्संग की आवश्यकता क्या है? देखिए, जो मैंने अभी कहा उसी को फिर से याद करिए। भोजन के बिना, कपड़े के बिना, घर मकान के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन सत्संग जीवन गुजर के लिए नहीं, जीवन सुधार के लिए चाहिए, जीवन सुधार के लिए चाहिए। सोचिए जरा से, एक है सुधरा हुआ जीवन और एक जीवन बिगड़ा हुआ जीवन, कौन सा पसंद करेंगे? सभी समझ रहे हैं इसको, तो सभी समझ रहे हैं। एक है सुधरा हुआ जीवन, एक है व्यवस्थित जीवन, ऐसा जीवन जिसके जीवन में सिस्टम है, व्यवस्था है, हर काम सिस्टमेटिक ढंग से वो करता है, हर चीज को वो बढ़िया से करता है। इसी को कहते हैं ना कला, आर्ट। आर्ट, आर्ट का मतलब क्या हुआ? आर्ट का मतलब है एक ऐसा ढंग, एक कला। कला का मतलब एक ऐसी शक्ति डेवलप उसने की है कि उसी चीज को और बेहतर तरीके से। देखो, भोजन तो कोई भी बना देगा और बना भी लेते हैं, लेकिन किसी के भोजन को करके आपको ऐसा लगता है बड़ा स्वादिष्ट लगा, है ना? और कभी कभी किसी भोजन को, किसी के बनाए भोजन को करके कहते हैं बस पेट भर गया, फिर भर गया, सही है? क्यों होता है?
जिसके भोजन को करने से आपको संतुष्टि और आनंद का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है उस भोजन बनाने वाले में कुछ तो कला है, कुछ तो कला है। इसको मैं इस ढंग से बताऊं, कला का मतलब है कि जैसे एक बॉक्स हो, एक पेटी जिसे कहते हैं, या सूटकेस हो, एक आदमी को कहो तो भाई देखो ये सब सामान को रखो, कपड़े को रखना है, और जिसको ढंग नहीं है तो थोड़े ही सामान में वो सूटकेस भर जाएगा, लेकिन जिसको ढंग है, जिसको ढंग है, कला है, उससे ज्यादा सामान रखेगा और व्यवस्थित रखेगा। सही है ना, व्यवस्थित रखेगा, ये कला है, ये कला है। तो वो अब क्या है यहाँ पर है आर्ट, जीवन जीने की कला। सत्संग क्या सिखाता है, जीवन जीने की कला। जीवन गुजर की चीजें तो आप संसार से प्राप्त कर लेते हैं, मेहनत करके पा जाते हैं, लेकिन केवल जीवन गुजर करने से जीवन की पूर्णता नहीं आती है। जीवन की पूर्णता वो नहीं मिलती है, क्योंकि जीवन गुजर तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। देखो एक चींटी को भी देखो, दिन भर चलती रहती है, गांव के गलियों में देखो, सड़कों पे देखो, कुत्ते दौड़ते रहते हैं। क्या चाहिए, भोजन चाहिए। पक्षी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। जानवर को देखो, चाहे वो जंगली जानवर ही क्यों ना हो, बस यहाँ वहाँ क्या चाहिए उनको, भोजन, भोजन, भोजन। भोजन के बाद में एक और चीज चाहिए, भोजन के बाद में वो है प्रजनन, प्रजनन। अपने ही तरीके से, अपने ही समान एक नए प्राणी को विकसित करना, गर्भाधान। ये खास रूप से दो ही आवश्यकता है मनुष्य के अलावा प्राणियों में, लेकिन मनुष्य कुछ अलग है। केवल जीवन गुजर तक ही सीमित नहीं रहेगा, यदि वो जीवन गुजर ही मात्र करता है तो एक पशु धरातल, पशु के लेवल तक रहा, लेकिन पशु के, हमने पशु पशुता को पीछे छोड़ दिया है। ध्यान दीजिए, पशु के जीवन को पीछे छोड़ दिया है अब मनुष्य का पाए, लेकिन ये केवल यही ठहर जाना नहीं, इससे ऊपर उठना है, प्रभु के दरवाजे को खटखटाना है, वहां जाना है, उस मोक्ष के दरवाजे को खटखटाना है, उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचना है। परमात्मा कहा करके कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आपको कोई इस बात को लेकर के परहेज हो, एलर्जी हो, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि कोई दरवाजा है, कोई लोक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का भाव, मेरा कहने का भाव यही है कि आप केवल मनुष्य का जीवन पा करके संतुष्ट रह गए तो आप वह बहुत कुछ चुक गए जो इस जीवन में पा सकते थे, इस जीवन में पा सकते थे। मैं कुछ दिन पहले ही एक कहानी पढ़ रहा था, कहानी मेरा बात आई थी कि एक आदमी जा रहा था रेगिस्तान तरफ, अंधेरा था, घोर अंधेरी रात। इतने में एक जोर से आवाज आई, रुक जाओ, अंधेरी रात, कोई दिख नहीं रहा था, अपने ही शरीर का अंग नहीं दिख रहा था, रुक जाओ, कोई है नहीं ठहरा। कहा, फिर उसने तेज आवाज में बोला, यहां से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर जमीन में जाओगे तो बालू नहीं मिलने वाली है, कुछ और चीज मिलने वाली है, कंकड़ पत्थर की तरह। तो कहा वहां चलो। अच्छा, वहां जब गया तो वो भी वहां पर पहुंच रहे, आवाज गए, उसने क्या जोर से आवाज की, इतने जोर से कहा कि जो कुछ आपको यहाँ पर, जो भी पैरों के नीचे आ रहा है, इसको जल्दी से जल्दी रख लो, गठिया लो अपने, जो भी रखे हो सामान उसमें। जो इतनी कड़क आवाज में बोले कि मैं तो भयभीत हो गया। रखा, रख लिया डर के मारे, भाई जो है उठाया,
जो भी मिला हाथ में उठाया और उसको एक कपड़े में बांध करके रख लिया। और क्या, फिर उसने जोर से आवाज क्या की, और चले जाओ जल्दी यहां से, और ध्यान रखना सुबह होगी तब देखना, नहीं घर पहुंचोगे तब देखना, पहले मैं घर पहुंच के ही देखना, तो ध्यान रखना तुम जब घर पहुंचोगे और खोलोगे गठरी को तो तुम बहुत पछताओगे और बहुत खुश भी होगे। आश्चर्य है, बहुत खुश भी होगे और बहुत पछताओगे भी। गया डर प्रकाश तो हो गया, घर पहुंचा खोला गठरी को तो सचमुच बहुत पछताया और खुश भी बहुत हुआ। उन्होंने कहा, लिखा कि ये कोई साधारण कोई कंकड़ पत्थर नहीं थे, वो हीरे जवाहरात थे, हीरे जवाहरात थे। खुश हुआ इतना धन मिला और पछताया क्यों, और भी पा सकता था, और भी हासिल कर सकता था, सही है ना, और भी हासिल कर सकता था। यही है मनुष्य जीवन का खेल। ये सच है कि हमने पछता को छोड़ा है तो खुशी की बात है, जिसको संतों ने कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन जब शरीर का अंत आएगा ना तो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। क्यों, अरे नहीं, इससे और बहुत कुछ किया जा सकता था, इससे वह किया जा सकता था जो इसके पहले संभव नहीं था, इससे इस जीवन से वह किया जा सकता था, वह अनुभव किया जा सकता था जो इस जीवन के पहले संभव नहीं था, और वह जीवन मिला, वह अपॉर्चुनिटी हमने खो दी, वह अवसर हमने खो दिया। और तब ख्याल आया जब अब समापन है, अब खत्म है। कबीर साहब की पंक्ति है ना, जब चेती हो जब तजी हो प्राणी, कैसे आए, जब चेती हो जब तजी हो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। ये पंक्ति सद्गुरु कबीर की, तब चेती हो कैसे है, तब चेती हो जब तजी हो प्राणा, जब प्राण को तजने लगोगे तब चेतोगे। तब साहब कहते भया आयान, आयान मतलब अज्ञानी मूर्ख, भया आयान तब मन पछताना, तब लगेगा मैं तो ठगा गया। वही कह ना, नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर याचत यही। और ये भी आया है कि गुंजा गहे परस्मणि खोई, नर्तन पाय विषय मन देही, गुंजा गहे परस्मणि खोई। ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, नर तन पाय विषय मन देही, मनुष्य का शरीर पाए, इस शरीर में तो योग करके आत्म साधना कर सकता था, योगों को छोड़ दिए, योग को छोड़ दिए, भोग में लग गए, आत्म साधना करना छोड़ करके भोग में लग गए, तब क्या हुआ। ये भी कबीर साहब की पंक्ति है, तिल झार कबीरा लिए भया ई जग तो जहड़े गया, ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झार कबीरा लिए तिलैठी झारे लोग। यहाँ बैठ करके कहीं फोन से बात करेंगे ना तो यही पछताएंगे, भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिए तिलैठी झारे लोग। साहब कहते ये जो मनुष्य शरीर पाए हो ना, ये क्या है, ई जग तो जहड़े, जहड़ना मतलब ठगा जाना, ये संसार के लोग ठगा गए। क्या कहते हैं, भया योग न भोग, न उसने योग किया, योग करके आत्म साधना करना चाहिए, और लग गए भोग में, अंत में भोग भी छूटा। जो भी भोग में लगोगे और जिसने भी लगा भोग छूटा, या तो इंद्रियां जवाब दे देंगी, चाहे जितना आप सुंदर चित्र देखो, सुंदर सिनेमा देखो, आंख जवाब दे देगी, या वो खत्म हो जाएगा। कितने ही प्रिय शब्द सुनना हो लेकिन एक समय जवाब दे देगा। कितना ही स्वादिला भोजन करो, कोई भी संसार का भोग भोगो, क्या होगा, या तो शरीर जवाब दे देगा या फिर वो भोग ही खत्म हो जाएगा, अंत में वियोग होगा ही। जिसके संबंध से शाश्वत सुख का अनुभव हो सकता था उसके हमने छोड़ दिया, किसमें छोड़ दिया, क्षणिक में, क्षणिक सुख को पाने के लिए। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नर्तन पाय विषय मन देही, विश्व में आसक्त हुए। तो क्या हुआ? नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते विशसठ लेही। ये थोड़ा कठोर शब्द कहते हैं, कठोर वाक्य। पलट सुधा अमृत को दे करके क्या ग्रहण किया? जहर ग्रहण किया। और तीसरा उदाहरण और बताते हैं कि ये पारसमणि को दे करके क्या किया? गुंजा गहे परसमणि खोई। गुंजा, गुंजा समझ रहे हैं ना? घुंगची, सब समझ रहे हैं गुंजा। घुंगची को रख लिया और पारसमणि को खो दिया। घुंगची क्या है? ये विषय। और पारसमणि क्या है? आपकी आत्मसाधना, आपका सुंदर मन, शांति का अनुभव, उसको खो दिए। क्या ग्रहण कर लिए? गुंजा। तो फिर ये ठगा जाना है ना। इसलिए साहब कहते भैया तिल जार कबीरा लिए, ये सब जहड़े गए, ठगा गए। सत्संग सजग करता है, सत्संग सावधान करता है, सत्संग पुनर्जागृत करता है, सत्संग हमें प्रेरित करता है, हमें होश में लाता है। हम सभी मूर्छित हैं, सही बताऊं ना, बेहोशी की जिंदगी जीते हैं। होश में आ जाए ना तो ये गलती होनी ही बंद हो जाएगी। हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में जो भी गलतियां अवशेष हैं, वो समझ के नाते है कि ना समझी के नाते है? जो भी गलतियां होती हैं ना समझी के ही नाते तो होती है, बेहोशी में तो होती है। होश जिसके जीवन में होगा, अब आप कहेंगे भाई कोई भी गलती करता है, कोई गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, शराब पीता है, अनाचार करता है, हत्या करता है, होश में ही करता है? नहीं, होश में नहीं कर रहा है, बेहोशी में कर रहा है। होश ही नहीं है उसको, यह भी होश नहीं है कि सचमुच मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, होश ही नहीं है। इसके परिणाम में क्या आने वाला है, होश ही नहीं है, होश नहीं है। चोरी करने के बाद क्या परिणाम आएगा, होश ही नहीं है। शराब पीने के बाद जो परिणाम है उसको ध्यान में रख सके कोई आदमी, ये होश रख सके, शराब पिएगा? शराब पिएगा? कभी नहीं पी सकता है, उससे वो बेहोश है, उसके परिणाम से बिल्कुल मूर्छित है, अनजान है, सोया हुआ है परिणाम से। तात्कालिक सुख और आनंद दिख रहा है, तो जो सच है उससे अनजान ही तो है, अनजान है, बेहोशी भी है। ये नासमझी भरा जीवन जब जीते हैं, सत्संग हमें एक्टिव करता है, जागृत करता है, जागो। इसीलिए गुरुदेव जी भी कई बार कहते थे कि संत जन आंखों में उंगली डाल के जगाते हैं, जागो लोगो मत सोवो, ना कुर नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का तैसा यह संसार। जागो लोगो, क्यों कर रहे जागो लोगो, क्यों टेर रहे हैं संत जन? कब गुरुदेव जी की पंक्ति है, अखियां खोलो सदगुरु बोलो, भोर भय किम सोते हो। अच्छा सुबह सुबह सुनो, सुबह 5 बजे उठ गए हैं और फिर भी भजन सुन रहे हैं, कि मैं तो उठ गया हूँ, उठना तो अलग है। अखियां खोलो सदगुरु बोलो, आंख खोलो जो पट्टी लगी है ना मोह की, आंख खोलो अज्ञान की पट्टी खोलो उसको। मोह में, इन्हीं प्राणी और पदार्थों में, इन्हीं विषयों में उलझे हुए हो, जिसे न जाने कितनी बार भोग करके छोड़ना पड़ा है, वो केवल पशु धरातल है, और आगे जाना है। मैं क्या कह रहा था बीच में भी, केवल उतने में संतुष्ट रह जाना जिसको कई बार पाए और छोड़े, जबकि इससे ज्यादा मिलने की संभावना थी और आज भी है। आपको क्या कहना चाहता हूं, आज भी है, आप वह पा सकते हैं, वह अनुभव कर सकते हैं जो इससे पहले कभी नहीं किए थे। सत्संग उसी का संकेत करता है, बीजक उसी का संकेत करता है। कबीर साहब के बीजक किस लिए है? बीजक किसका संकेत कर रहा है, समझ गए ना? बीजक वित्त बतावे,
बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। पढ़े ही नहीं, क्या करोगे? दीक्षा ले लिए, गुरु महाराज आ गए थे, कंठी डाल दिए गला में, कर लो बंदगी, दे दो दक्षिणा, हो गए कबीरपंथी, हो गए कबीरपंथी, बताओ हो गया ना कबीरपंथी। अब गुरु महाराज जाने हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा भाई? कहाँ तक ठेकेदारी करेगा गुरु महाराज? नहीं कर सकता है। बुद्ध और महावीर भी, कबीर और नानक भी किसी को सुधार नहीं पाए। आप कहें नहीं, ऐसा कैसे कहते हैं? मैं सच कह रहा हूं, कोई भी किसी को सुधार नहीं सकता है। लेकिन वे लोग सुधारे कैसे? वो उनको जो सुधारना चाहे, फिर से कह रहा हूं, वो उन्हीं को सुधार सकते हैं जो सुधारना चाहते हैं। उन्हीं में परिवर्तन ला सकते हैं जो परिवर्तन लाने के लिए चाहते हैं। परिवर्तन लाना ही ना चाहो, सुधार के लिए चेष्टा ही ना हो, सुधार के लिए मन में भाव ही ना हो, कौन सुधार पाएगा? कोई नहीं सुधार पाएगा। हमारे दिन जीवन के बीतते चले जाते हैं। हम क्या करते हैं? जीवन के दिन गिनते हैं, इतने साल हो गए। अच्छा कितने साल हो गए भाई? इतने साल हो गए। आजकल तो बहुत सारे दिन गिने जा रहे हैं। बर्थडे का बड़ा प्रचलन है, छोटे छोटे बच्चे महीनों पहले उछलते रहते हैं, बर्थडे बर्थडे बर्थडे, वाह। आप लोग कितने लोग का मनाया जाता बर्थडे? कब से मनाया जा रहा है? अच्छा बर्थडे की बात तो भूल जाइए, क्या गिनते हैं? एनिवर्सरी। क्या नाम है, गजब है ना? शादी की सालगिरह, गुरुदेव जी बताते थे। और कुछ वर्षों से शुरू ही हुआ है, ये विदेशों की नकल है, पहले सब होता ही नहीं था। अब तो एनिवर्सरी, साल भर हो गए शादी किए, तो कुछ सज धज लो भाई। गुरुदेव जी कहते थे, कलकत्ता की बात है, एक ने कहा, एक 180 साल का बुढ़वा शादी का एनिवर्सरी मना रहा था, साल गिरा, तो जिसने संदेश दे, क्या बताए, मूर्ख दिवस मना रहा है। शादी का दिन को याद करना है उसको, भूलने का है और उसको याद कर रहे हो, फंस गए, क्या लगता है उसमें है? तो किसका दिन गिर रहा है? इतने साल शादी के हो गए, इतने साल जन्म के हो गए। जीवन को सुंदर बनाने के छोड़ करके जीवन के दिन गिनने में लगे हो, क्या होगा दिन गिन करके? लंबा जीवन मिल गया, कौन सा बड़ा काम हो गया? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी, किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम देती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम देती है, और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी बेकाम होती है। 100 वर्ष जी रहे, क्यों जी रहे 100 वर्ष? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है इससे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आपने, किसी ने कहा है कि 4 दिन कम जिए तो कम ही सही, 4 दिन कम जिए तो कम ही सही, लेकिन जब तक जिए मशाल बन करके जिए, मशाल बन करके जिए। क्या बिल्कुल अंधेरा अंधेरा अंधेरे में जीवन चलाते रहें? नहीं, जीवन ऐसा हो जगमगाता हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो सत्संग इन्हीं सब बातों के लिए प्राण फूंकता है, लेकिन सत्संग में ही ना आए, सत्संग से ही जुड़ाव ना हो। सोचिए जरा से, जहां से एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी खुराक मिल रही हो, जहां से जीवन को नया बनाया जा सकता है, जीवन में कुछ नया अनुभव किया जा सकता है, तो वही प्रेरणा ही नहीं है उनको, प्रेरणा ही नहीं है। और मैंने कहा ना, वस्तुओं को पा करके हम संतुष्ट हो गए हैं, केवल इतना कि हमको तो अब भोजन की चिंता ही नहीं है, कपड़े की चिंता ही नहीं है, घर मकान पर्याप्त है, परिवार के लोग भी सब बढ़िया हैं। अब कहेगा, इतने मात्र संतोष कर लिए,
ये संतुष्टि बहुत खतरनाक है, क्षमा करना इतना भी बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना भी कम है, ये कम नहीं है, ये कम नहीं है। बहुत लोग जूझ रहे हैं इन सब चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन आप ये समझेंगे कि इतना मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, नहीं हुआ है अभी। मैं क्या कहूँ, केवल दुख का न होना ही पर्याप्त नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, केवल दुख का न होना ही पर्याप्त नहीं है। आनंद का अनुभव है, आनंद का अनुभव है इस जीवन के, जीवन तो गुजर कर रहे हैं, क्या वो आनंद का अनुभव होता है? मन में गहरी शांति का अनुभव होता है? कभी मन अपने आप में शांत रहता है बिना किसी प्रकार को याद किए, बिना दूसरे को याद किए, केवल अपने आप में शांत? क्या ऐसा अनुभव होता है? जब अकेले में बैठे, अकेले में शांत, तब किसी की याद नहीं। यदि याद आए भी तो उसके याद आते ही उसके प्रति प्रेम का भाव जगे, मैत्री का भाव जगे, करुणा का भाव जगे, उनके सहयोग का भाव जगे, बल्कि उनके लिए कैसी फील हो, आपका भला हो, भला हो। लेकिन अकेले में याद आया और बदले का भाव जग रहा है, द्वेष और नफरत का भाव जग रहा है, ईर्ष्या का भाव जग रहा है, नाराजगी का भाव जग रहा है, अंतर द्वंद है, और ऐसा द्वंद के भीतर से हम बेताब और परेशान हैं। अकेले में हम खुश रह नहीं पा रहे हैं। कैसा जीवन है? जीवन को ऐसा निर्मित करें कि अकेले में खुश रह सकें, अपने साथ प्रसन्न रह सकें, खुद के साथ, खुद के साथ में। और आपको ऐसा नहीं कि जब अकेले हो तो आपको टीवी देखने की तलब चढ़े, टीवी देखने का मन करे, या मोबाइल से बात करने का, या लोगों से मिलने का, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप में खुश हूँ, ऐसा थोड़ी कि टीवी देख के खुश हूँ, ऐसा थोड़ी कि मोबाइल देख के खुश हूँ, ऐसा नहीं कि पुस्तक पढ़ के मैं आनंदित होता हूँ या प्रवचन सुन करके, कोई बात नहीं। हाँ, प्रवचन सुनने का अवसर है, प्रवचन सुनो, पुस्तक पढ़ने का अवसर है, पुस्तक पढ़ू, कभी टीवी देखने का मन करे वो भी देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि इन सबको भी छोड़ करके रहना पड़े तो भी अपने आप में खुश रहना आ जाए, यही तो जीवन को बनाना है। सत्संग में केवल यहाँ यहाँ तो वस्तु मिलने नहीं है, सत्संग सत्संग में शब्द शब्द के माध्यम से विचार भेजे जा रहे हैं आप तक के, विचार भेजते हैं बस, और एक ऐसा विचार जो आपको प्रेरित करे, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंस्पायर, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब क्या होता है? इंस्पायर का मतलब होता है नई सांस लेना, इंस्पायर का मतलब नई सांस लेना। यदि आप हर बार नई सांस नहीं लेते हैं तो क्या होगा, क्या होगा? इंस्पायर का उल्टा होता है एक्सपायर, समझ गए ना, मर जाएंगे, मर जाएंगे। तो आप शारीरिक रूप से जिंदा हैं, लेकिन वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। एक उदाहरण ख्याल आया, मैंने पढ़ा कि एक अखबार में संपादक के नाम पत्र आता था, शायद आज भी आता होगा, संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। तो एक व्यक्ति था, उसने संपादक के नाम पत्र लिखा और लिखा, मैं 30 साल से सत्संग में जाता हूँ, संडे संडे, शायद ईसाई रहा होगा, 30 साल मैं हर संडे को चर्च जाता रहा और सुनता रहा, लेकिन उन 30 सालों में क्या क्या मैंने सुना एक भी याद नहीं है, एक भी याद नहीं है, और अब लगता है वो मैंने व्यर्थ किए। वो मैंने जो 30 साल के रविवार रविवार को जो जाता था वो सब मेरा खराब गया समय। और ये जो वक्ता लोग भी हैं, पादरी हैं, या जो स्पीच देने वाले हैं, ये लोग भी लोगों का समय बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि बोल तो देते हैं, याद तो कुछ भी नहीं रहता है। ये जब लेख छपा ना तो पूरे समाज में हड़कंप मच गया, खाए तो खजाओ की बात हुई, ये धार्मिक लोगों पर सीधा प्रहार था, ऐसा कह रहे थे, तो
और उस पर फिर उस पर कुछ प्लस में माइनस में उसके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारे विचार बीच बीच में आते रहे, और ये सारे विचारों का पटाक्षेप तब हुआ, समापन तब हुआ जब एक दूसरा व्यक्ति ने एक दूसरा लेख लिखा। उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि मेरी शादी हुए 30 साल हो गए, शादी हुए 30 साल हो गए, और मेरी पत्नी ने मेरे लिए इन 30 सालों में न जाने कितने प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए और भोजन बनाकर खिलाए, मुझे एक भी याद नहीं है, मुझे एक भी याद नहीं है कि मैंने क्या क्या भोजन कब 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 क्या क्या किया। लेकिन मैं जानता हूं यदि वो भोजन न किया होता तो आज मैं मर गया होता। भले याद नहीं है लेकिन वो भोजन न किया होता, भोजन मुझे न मिला होता तो मैं मर गया होता। इसी प्रकार से मैं 30 साल से सत्संग सुन रहा हूं, मुझे याद भले नहीं है लेकिन यदि वो सत्संग का लाभ न लिया होता, सुना न होता, तो मैं आध्यात्मिक रूप से मर गया होता। ये बातें जब छपी तो सब गर्दा गुब्बार जो उड़ रहा था ना, सब ठंडा हो गया। तब लगा कि सच है। भले बातें कुछ लोग कहते हैं ना, क्या करें पुस्तक तो पढ़ते याद नहीं रहती, क्या करूं साहब, मैं कहा तो मुझे भी याद नहीं रहती है। लेकिन मैं जानता हूं उन्हीं में से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में जाकर के घुल जाती हैं, और जो मन में घुल गई हैं वो आपके जीवन में प्रकट होती हैं, चाहे वो शब्दों के रूप में, चाहे वो एक्शन के रूप में, किसी न किसी रूप में वो बाहर दिखाई देता है। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, ये मत सोचिए कि मैं सत्संग में जाता हूँ बातें भूल जाती हैं। आपका मन कैसा है उस समय, मन कैसा है, सत्संग का एक लाभ क्या है। अच्छा, लाभ कब से होता है सत्संग का, थोड़ी बात बताऊं, लाभ कब से होता है, सत्संग करते समय लाभ होता है, मैं बताऊं, सत्संग में आने के पहले से लाभ शुरू हो जाता है। जब सत्संग करते हैं तब तो होता ही है, सत्संग में जब आने के पहले ही लाभ शुरू हो जाता है, और जब सत्संग से चले भी जाते हैं तब भी लाभ शुरू हो जाता, तब भी लाभ होने लगता है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। इसका उल्टा भी सच है, उल्टा भी सच है। क्या सच है? गलत काम का केवल गलत करते समय ही नुकसान नहीं होता है, गलत काम करने के पहले से नुकसान शुरू हो जाता है, और गलत काम कर लेने के बाद भी उसका नुकसान बना रहता है। कैसे? एक आदमी चोरी करने के लिए निकला घर से, ख्याल करिए, चोरी करने के लिए निकला घर से, और किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या कहेगा वो बताओ मुझे, क्या कहेगा? मैं चोरी करने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ में, बोलेगा? भय क्या आ गया मन में, कोई न जाने, आ गया ना भय, कोई न जाने। अच्छा, जब वो आया है, अभी अभी चोरी हुई नहीं है, कोई धन मिला नहीं है, उसके पहले से भय, भय हो गया। अब जब चोरी कर रहा हो तब क्या लगेगा कि सब लोग देख ले मैं चोरी कर रहा हूँ, तब भी भय, और चोरी कर लेने के बाद निर्भय हो गया, निर्भय हो गया, भले वो पकड़ा ना जाए क्या लगेगा, किसी को पता ना चल जाए, छिपा रहेगा। मान लो एक आदमी चोरी कर लिया और सामान को छिपा के भी आ गया ना, छिपा करके, और कहाँ बैठ गया, न जाने कहा के सत्संग में आके बैठ गया, ख्याल करिए क्या कह रहा हूं मैं, सत्संग में आके बैठ गया, ठीक है, भले वो सत्संग में बैठा हो लेकिन ख्याल क्या है, चोरी की है। उसी बीच में एक पुलिस वर्दी पहन करके वो भी सत्संग में आया है ना, केवल सत्संग में आया है, और वो भी जाके बैठ गया उसके बाजू में, कितनी देर तक बैठे रहेगा वो चोर, कितनी देर तक बैठा रहेगा, समझ गए, पुलिस को पता ही नहीं है ना, वो तो केवल सत्संग सुनने आया है, सत्संग सुनने आया है, लेकिन ऐसा भय कि उसको चुप बैठने, वो तो निश्चित रूप से बहाना बना करके उठकर चल ही देगा वहां से, सही कह रहा हूं, यद्यपि पुलिस के पता ही नहीं कि आदमी चोरी करके आया है कि सही, वो समझ रहा है सत्संगी है, लेकिन उसके भीतर बैठा चोर उसे शांत नहीं रहने, नुकसान है कि नहीं है, पहले भी
समय करते समय भी और बाद में, इसका उल्टा में जैसे मैंने कहा सत्संग में आप घर से निकले और किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कबीर आश्रम, सत्संग में जा रहा हूँ, अरे चलो ना सत्संग में, खाली बैठे हो, कहोगे ना चार लोगों को चलो सत्संग में, कोई डर है, खुशी है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, सही है, प्रसन्नता है, सत्संग में जाऊंगा, संत मिलेंगे, कुछ अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे, अब सत्संग सुन रहे हैं कुछ तो अच्छी बातें जा रही हैं, लाभ है, और चले गए इसके बाद भी सत्संग से, जब भी आप अकेले बैठेंगे ख्याल आएगा, क्या क्या सुना था, क्या कहा उन्होंने, ख्याल कर रहे हैं, लाभ है, हर समय लाभ है। तो सत्संग के बारे में बताया, ये चीजें, ये विचार हमारे जीवन, मतलब आपका जीवन, मैंने कहा ना वह न रह जाए, जब आप सत्संग में आते हैं तो जैसा आपका जीवन है आते समय, जब सत्संग से लौटे तो आपका जीवन बदल जाना चाहिए, एक नया जीवन लेकर के यहां से जाएं, नए विचारों के साथ जाएं, नए शब्दों के साथ जाएं, नई आदत लेकर के जाए, नए संकल्प के साथ जाए, बस ये हो गया जीवन, अब मुझे इतना अध्ययन करना है, इतने समय तक ध्यान में बैठना है, इतने समय तक मौन रहना है, शरीर के खान पान को ख्याल रखना है, फिटनेस को ध्यान में रखना है, लोगों के साथ व्यवहार करते समय मेरे शब्दों को ख्याल करना है, ऐसा शब्द न निकले जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ध्यान देने लग गए, ध्यान देने लग गए, किस पर ध्यान देने लग गए, जो आप सोचते हैं उस पर ध्यान देने लग गए, जो आप बोलते हैं उस पर ध्यान देने लग गए, जो आप काम करते हैं उस पर ध्यान देने लग गए, और जैसे ध्यान देने लग गए उसमें सुधार शुरू हो गया। जब तक ध्यान नहीं देते हैं, वो कहते हैं ना अगड़म बगड़म चला करता है, बेठिकाना बेतरतीब, लेकिन जैसे ध्यान दिए बस परिवर्तन। एक गार्डन हो, बहुत सारे पौधे हों, पेड़ पौधे, माली जो वहाँ का सेवक है उस गार्डन का, जिन पौधों, जिन पेड़ों और पौधों, जिन फूलों पर अधिक ध्यान देता है, वे पेड़ पौधे और फूल विकसित होने लगते हैं, सुंदर रिजल्ट आते हैं, और जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, महीनों ध्यान नहीं दिया गया, वर्षों ध्यान नहीं दिया गया, बड़खा बड़। और आप जानते हैं माली के काम को, किसी पेड़ को जब तरासे होते हैं ना काट करके, कैसा लगता है, आप भी घर में पेड़ लगाते हैं, उतना सुंदर नहीं दिखता है, वो क्या करता है, कटिंग करता है, अनावश्यक को निकालता है, आवश्यक को रखता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षक लगता है, काम किया है, ध्यान दिया गया है। आपके ही घर में बच्चे 5-6 हों तो जिन बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं, उनके खान पान के बारे में, उनके कपड़े लत्ते के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके खेलने कूदने के बारे में, सब ध्यान दे रहे हैं, वो विकसित होगा, वो बढ़ेगा। और जिन बच्चों पर छोड़ दिए, चाहे जो खाएं, चाहे जो सब पहने, जब उठें, जब सोएं, जो खेलें, जो करें, कोई मतलब नहीं है, अंतर पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ेगा। क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, क्या आप अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं, क्या अपने कार्यकलाप पर ध्यान देते हैं, क्या अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं देते। मैंने कहा ना, इसलिए कहा ना, मूर्छित, बेहोशी में जीवन जीते हैं, होश जगाओ, इसलिए जुड़ना जरूरी है। यहां आते हैं तो हमारा होश जागृत रहता है, सावधानी, जागरूकता बनी रहती है, और जब आना बंद कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, धीरे धीरे प्रसुप्त होते चले जाते हैं। वो बाहर के वातावरण ही कुछ ऐसा है कि आपकी चेतना को धूल उसमें ढकती चली जाती, परत दर परत चढ़ती चली जाती है। यहाँ आने का मतलब उस जंग को साफ करना। कबीर साहब की पंक्ति है, नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे, खरसान में चढ़ाते जाओ औजार ताजा धारदार। ऐसे ही ये सत्संग रूपी खरसान, नित की गोष्ठी, ये गोष्ठी मतलब ही सत्संग है, माया मोह, जो माया मोह का आवरण, जो धूल गर्दा अंदर आता है, साफ साफ चमक बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती, जीवन की चमक बढ़ जाती है, लेकिन धूल झड़ाना ही नहीं चाहते, धूल से ही प्रीता है,
गंदगी से ही प्रीता है, दुख से ही प्रीता है, अशांति से ही प्रीता है, बीमारी से ही प्रीता है, क्या होगा? एक भगत तोता पाल के रखे थे, देखेंगे आप लोग भी पिंजरा में तोता बंद करके रखते हैं और उसको पढ़ाए भी रहते हैं राम राम या बहुत सारी बातें। मैं छोटा था तो नानी के यहाँ जाता था, नाना घर तो तोता पाले थे, मेरे जन्मभूमि तो नहीं पाले थे, मुझे भी अच्छा लगता था। पहले तो मैं कई बार उसको कहा इसको नहला लाओ तो डुबा देता था बड़ी बाल्टी में, नानी जान बहुत डांटती थी मुझे। ये तो खैर याद आई बात मैंने कही, तो वो तोता बाहर ऐसे टांग करके रखे थे। तो एक दिन एक संत आए उस घर में, संत आए तो उसको सिखाया गया था कि सीताराम सीताराम राम राम ऐसा कह करके सिखाया गया था। तो बैठे तो बस बोलने लगे, संत ने कहा वाह क्या बात है। फिर उसने क्या कहा कि तोता राम ये जो सीताराम सीताराम जप रहे हो ना या राम राम जप रहे हो ना अच्छा है, लेकिन इससे काम पूरा नहीं होगा तुम्हारा, काम पूरा नहीं होगा। तो फिर क्या कहा क्या करूं? उसने कहा एक काम करो, आप करो बंदी छोड़। कबीर साहब के पंथ का बंदी छोड़, बंदी छोड़ की जय हो। उसने कहा अब बस वो रटना शुरू कर दिया, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़। घर का मालिक आया, संत का स्वागत ही किए वो तो, और फिर उसने कहा कि ये तोता भी बंदी छोड़ बोल रहा है। उसने सोचा कि देखो बहुत दिन से बंधन में है और संत भी आए हैं और ये बंदी छोड़ बोल भी रहा है, लाओ इसे संत के उपस्थिति में संत के आने से इसको मैं इस पिंजरे से मुक्त ही कर देता हूँ, क्योंकि बंदी छोड़ा है तो इसको भी बंधन छुड़ा देना चाहिए। ऐसा सोच करके वो क्या किया, उसको उतारा ऊपर से नीचे रखा और उसके दरवाजे को खोल दिया ताकि उड़ के चला जाए। लेकिन अब वो दरवाजा खुला है फिर भी उड़ने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ा गड़बड़ है। फिर सोचा कि हो सकता है कि लंबे समय तक पिंजरे में रहते रहते ये बाहर जाना ही भूल गया हो दरवाजा। तो फिर उसने हाथ डाला अंदर और उसको पकड़ करके बाहर लाना चाहा ताकि वो बाहर आकाश में आ जाए, खुले में आ जाए और उड़ के चला जाए। अब जैसे ही हाथ लेकर के क्षमा करें वो हाथ लेकर के पकड़ के लाना चाहा तो क्या किया, चोंच से और पंजों से जो पिंजड़े का जो सरिया होता है सलाका होता है उसको पकड़ दिया और चे चे करते रहो, बाहर निकलने का नाम नहीं लिया। तो जो भगत थे वो संत की ओर देखे, संत समझ गए क्या देख क्या पूछ रहा है। संत ने कहा देखो अब इस पिंजड़े से ही उसको मोह हो गया है, यह बंधन ही उसको प्रीकर लगने लगा है, ये बंधन से ही प्रीता हो गई है उसको, मुक्ताकाश वो स्वच्छ आकाश और गगन में उड़ना वो जानता ही नहीं है। ऐसे ही हम सबको भी ये बंधन इतना प्रीकर हो गया है, संत आते हैं पकड़ के अरे चलो तो सही, अरे नहीं पकड़ लेते हैं ना सबको, प्राणी और पदार्थों को पकड़ लेते हैं। संत कहते हैं देखो तो ये मोह की महिमा को कैसा है, रोज दुख झेल रहा हो, रोज अशांति का घर में, लेकिन अशांति इतनी घनी हो गई है कि शांति उसको आभासी नहीं हो रहा है, शांति महसूस ही नहीं कर पा रहा है। और इसी जो मोहाच्छन्न है जिसमें शांति आच्छन्न छिपा हुआ है, संत उस पर्दे को हटाते हैं, सत्संग उस मोह को जगाते। मैंने क्या कहा, सत्संग में आते रहेंगे तो हमारी चेतना जागृत रहेगी, सजग रहेंगे, हमारे भीतर की ज्योति जलती रहेगी, और नहीं तो फिर आना जब बंद कर देते हैं, प्रसुप्त प्रसुप्त शांत शांत, और वो अंधकार अंधकार होता चला जाता है। एक उदाहरण कहूं और बंद करूं, समय पूरा हो गया है। एक आदमी सत्संग में जाया करता था, आप सब जिसे आते हैं सत्संग में जाया करता था, संत के पास बैठते सत्संग करते, अच्छे आदमी थे, बढ़िया सत्संग करता था और लंबे समय तक किया सत्संग, और संत से भी उनके एक प्रकार से प्रेम प्रेम की डोरी बंध गई। तो जब वो नहीं आते कभी तो संत पूछते कैसे नहीं आए भाई वो आदमी,
होता है ना कई बार, जो रोज आता हो ना आए, इंक्वायरी होती कैसे नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो वो आदमी रोज सत्संग में आता, बैठता, सत्संग करता, जाता, जीवन भी अच्छा था। एक बार क्या हुआ, वो आदमी सत्संगी था, वो आना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। अब एक दिन इंतजार किए, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, महीना भर बीत गए। संत ने कहा कि सब हो गए भाई, क्या हो गया उसको। तो फिर वो अब संत से रहा नहीं गया, उसने क्या किया, उसके घर की तरफ कदम बढ़ा दिया। होता ना, पहले मैंने सुना था बचपने में कि दादा लोग बताते थे कि जब कि स्कूल में जब पढ़ने जाते थे बच्चे, और जब बच्चे नहीं जाते थे, मास्टर लोग पहुंच जाते थे पकड़ने के लिए, चलो कहाँ गए तुम कह करके। ऐसा शायद होता रहा होगा, सही है, होता रहा, होता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि संत पहुंच गए उस सत्संगी भगत के पास में, महीना भर से नहीं आया है, अब गया। ठंडी का मौसम था, वो जला करके, अंगीठी जला करके, कुछ लकड़ी जला करके, कोयला जला करके वो आग के पास बैठा था। तो देखे कि वो जिनके पास ज्यादा तो संत आए हुए हैं। अब संत भी कुछ नहीं बोले, उसने जैसे बैठे थे एक बैठक, एक स्टूल या कुर्सी या कोई पाटला पीढ़ा बैठे थे, उनके लिए भी एक रख दिए, तो वो भी आके बैठ गए। अब जैसे वो ताप रहे थे, वो भी ताप रहे हैं। कुछ देर तक तापते रहे, फिर वो लकड़ी आग को ठीक करने के लिए चिमटा रखे रहते ना, चिमटा, उस चिमटा को उठाया वो जो महात्मा आए थे संत, और क्या किए, उसमें एक जलता हुआ अंगारा कोयले का पकड़ के चिमट करके जैसे पकड़ा चिमटा से, और उसको बाहर रख दिया, और वही वहां पर धधक रहा था, सही है ना, उस अलाव, उस भट्टी में वो धधक रहा था। और जैसे ही उस कोयले को से पकड़ करके बाहर लाया, क्या हुआ, समझ रहे ना, धीरे 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 वो बुझना शुरू हो गया, और बुझता गया, और बुझता गया, और वो खत्म, बुझ गया। अब क्या होगा, कौन सा रंग था वहां, सुनहला करर, सही, चमक रही, और यहां पर रंग बदल गया ना, आग भी खत्म, ज्योति भी खत्म, और वो भी खत्म। उसके पश्चात क्या किया उसने, फिर से उसको पकड़ा जो बाहर रख दिया था, बुझ गया था उसको, और पकड़ करके फिर से उसमें डाल दिया, और जैसे डाला था फिर से उसमें आग, फिर से चमक, फिर से उसका रंग बदल गया, फिर से उसमें से ज्योति ने मतलब ताप आने लग गया। इतना उसने किया, चिमटा रखा, कुर्सी छोड़ा, और जाने लगा दरवाजे की ओर। जब जाने लगा तो जो सत्संगी था वो खड़ा हुआ और गया उसके पीछे और हाथ जोड़कर कहा, कल से मैं सत्संग में आऊंगा। क्या कहा, कल से मैं सत्संग में आऊंगा। समझ रहे ना क्या संकेत था, जब आप सत्संग से जुड़े रहोगे तो आपकी चमक बनी रहेगी, और जब वहां से निकाल करके बाहर हो जाओगे ना अकेले, तो चमक खत्म हो जाएगी, बुझ जाओगे। जुड़े रहो, और वो समझ गए संकेत, मैं फिर से आऊंगा सत्संग में। ये महीना भर से नहीं, यही समझाने आए थे वो महात्मा, यही समझाने आए थे। ये जो सत्संग में जो हम सुनते हैं, ये हमारे जीवन को ट्रांसफार्म कर देता है, बदल देता है। और जब जीवन बदलता है तो जीवन के अनुभव बदल जाते हैं, फीलिंग्स बदल जाती है, फिर वही घर, वही जीवन आपको आनंद देने लगता है। जहां दुख और अशांति का अनुभव हो रहा था, वहीं अब सुख और आनंद का अनुभव होने लगता है। तो सत्संग, मैंने क्या कहा था शुरू में, आपके जीवन से सत्संग का क्या संबंध है। साफ हो गए साहेब बंदगी।